जम्मू कश्मीर में आतंकी फिर एक पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। असल में पुलवामा के राजपोरा रोड पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी कार से जा रहा था। इस कार पर लगे फर्जी नंबर प्लेट देखकर पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों को शक हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इस कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी कार सवार आतंकी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने गाड़ी की जांच की तो उसमें 40 से 45 किलो आईईडी बरामद हुई, जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने आईईडी को कार से अलग ना कर पाने की स्थिति में इसे कार के साथ विस्फोट कर उड़ा दिया, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। जांच करने के दौरान पता चला कि कार पर लगी हुई नंबर प्लेट दोपहिया वाहन की है, जो कि कठुआ जिले में रजिस्टर थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में सुरक्षा बलों की 20 गाड़ियां निशाने पर थी, जिसमें सीआरपीएफ के करीब 400 जवान होते। पहले इस हमले को करने की प्लानिंग जंगे बदर के दिन की थी, लेकिन तब से अब तक पुलिस ने अपनी तरफ से कोई सुरक्षा चूक नहीं होने दी, जिसकी वजह से आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। इस हमले में 3 आतंकियों के शामिल होने का पुलिस ने दावा किया है। इसमें पहले का नाम आदिल, दूसरे का फौजी भाई और तीसरा कार का ड्राइवर था, जिसका पता पुलिस लगा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को 4 से 5 दिन पहले ही पता चल गया था कि एक कार में आईईडी फिट करके रखा गया है। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आतंकी कार बम विस्फोट कर सुरक्षा बलों के काफिलों पर आत्मघाती हमला करने की फिराक में है, लेकिन कोई अनहोनी होती उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।